हमारे पिछले कुछ वीडियोस में आपको मैं रेगुलर बता रहा हूँ कि मीम कॉइन एक कॉइन है जिसका आईसीओ आ रहा है और आईसीओ किसके ऊपर आ रहा है, बाइनेंस के ऊपर। जनरली अगर किसी भी कॉइन का आईसीओ आता है तो आईसीओ के ऊपर हमें कभी भी विश्वास नहीं होता कि अगर वो हमें फ्री में कॉइन्स बांट रहे हैं या फिर बहुत कम प्राइस पे हमें कॉइन्स दे रहे हैं, डायरेक्टली बांट रहे हैं, तो वो कॉइन सही नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये हम ऐसा मीम कॉइन को लेकर भी बोल सकते हैं कि कॉइन शायद सही नहीं होगा, लेकिन अगर वही आईसीओ बाइनेंस के ऊपर हो तो डेफिनेटली एक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है बहुत ऊपर जा सकती है। तो जब से आपको मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे BNB पूल में 284 मीम कॉइन्स बन चुके हैं। इसी के साथ TUSD पूल देखते हैं तो यहाँ 309 मीम कॉइन्स बन चुके हैं, यानी कि इनकी यहाँ पे जो फार्मिंग हो रही है बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो रही है। रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ हमें कॉइन्स मिल रहे हैं और बहुत फास्टली मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लगा दिए थे, यानी कि पहले ही दिन जब ये लॉन्च पूल आना था उसी दिन इन्होंने बिल्कुल ही पहले इन्होंने स्टेकिंग करवा ली थी, तभी मैंने स्टेक कर दिया था और तेज़ी से कॉइन्स बढ़ने शुरू हो गए थे। अभी क्या कि जैसे जैसे जो फार्मर्स आ रहे हैं या फिर जो स्टेकिंग वाले लोग आ रहे हैं उसकी वजह से फार्मिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो रही है, लेकिन आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, वो ये है कि ये लिस्ट होने जा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें, और हमारी जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम के ऊपर ट्विटर के ऊपर हमेशा आती रहती हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको मैं बार बार एक चीज़ क्यों बता रहा हूँ, मीम मीम, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं लॉन्च पैड के ऊपर, लॉन्च पूल के ऊपर, लेकिन इतने ज़्यादा कॉइन्स कभी भी नहीं मिलते। शायद इसकी वैल्यू कम है इसलिए, या फिर आई डोंट नो व्हाट्स द एक्चुअल रीज़न, कि इनकी जो माइनिंग की स्पीड है, माइनिंग बोल सकते हैं या फिर फार्मिंग बोल सकते हैं, यानी कि जो रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वो बहुत ही फास्ट मिल रहे हैं। जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे 283 और यहाँ पे 300, तो बोल सकते हैं कि 500 से ऊपर ऑलरेडी 500-600 कॉइन्स मुझे मिल चुके हैं। अब 500-600 कॉइन्स की वैल्यू अगर अच्छी जाती है, जो कि हमें लिस्टिंग पर ही पता चलेगा, तो वो मैं बहुत अच्छे प्राइस पे सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाऊंगा। तो एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी सारे कॉइन्स आए इसके ऊपर लॉन्च पूल के ऊपर, तो सारे के सारे कॉइन्स कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट देकर जाते ही जाते हैं। तो इससे भी मुझे उम्मीद है, क्योंकि उस दिन भी आपको मैंने बताया था कि जो मीम कॉइन की साइट है इनके ऊपर इन्होंने जो वैल्यू बताई हुई है कि इस कॉइन की जो वैल्यू जाएगी वो लगभग $0.015 तक जा सकती है। तो आज आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे टोटल सप्लाई 69 बिलियन, यहाँ पे प्राइस पर मीम बताया हुआ $0.001। तो आपको पिछली बार भी मैंने शायद यही बताया हुआ कि लगभग एक सेकंड के आसपास इसकी वैल्यू जा सकती है। तो अगर इतनी वैल्यू यहाँ पे इन्होंने बताई है, और अगर ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है या फिर ICO बाइनेंस के ऊपर होता है, तो आप देख सकते हैं कि बाइनेंस के ऊपर हमें कॉइन्स ऑलरेडी मिलने शुरू हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू लिस्टिंग पर बहुत ही ऊपर जाने वाली है। अब मैं बार बार बोलूँ कि ऊपर वैल्यू जाने वाली है या फिर ज़्यादा होने वाली है, तो उस चीज़ को अगर छोड़ के अगर हम इसके प्रोजेक्ट को देखते हैं, मीम लैंड कौन सा प्रोजेक्ट है, Web3 वेंचर स्टूडियो बाय 9GAG द ग्लोबल पॉपुलर मीम प्लेटफॉर्म। तो 9GAG बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, Web3 वेंचर स्टूडियो है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर इसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट मिलके आता है या फिर इसके नाम पर आता है तो वो डेफिनेटली अच्छी वैल्यू अचीव करते ही करते हैं। अब लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग होने वाली है लगभग, अभी जो मैं देख रहा हूँ, जब ये 15 घंटों के बाद होने वाली है, कल दोपहर के 1:30 बजे ध्यान रखना, रेडी रहना, इसकी लिस्टिंग होगी और वैल्यू बहुत ऊपर जाएगी, उस वक्त आपने इसको ट्रेड करना है। तो आप 12 बजे तैयार होकर बैठ जाना बाइनेंस के ऊपर। ये कॉइन्स अगर आपको जितने भी मिले, कितने भी मिले हैं, अगर नहीं भी मिले तब भी आपके पास मौका होगा कि जैसे ही लिस्ट हो जाएगा आप इसको बाय करते चलें और सेल करते चलें, यानी कि आपने ट्रेड करना है, अपनी स्पेकुलेशन करनी है, स्पेकुलेशन लगाते समय आप यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे इसी मीम कॉइन के द्वारा। अब अगर हम बाकी मीम कॉइन्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लॉकी इनू भी है, शिबा इनू भी है, डॉज कॉइन भी है, बहुत सारे कॉइन्स हैं मार्केट में, लेकिन ये एक पहला ऐसा इकलौता मीम कॉइन है जिन्होंने अपने आप को खुद को मीम कॉइन बोला है, यानी कि अपना नाम ही मीम कॉइन रख लिया है। और इसी के साथ इन्होंने एक चीज़ क्लियरली बता दी है कि ये मीम कॉइन है, इसकी कोई भी यूटिलिटी नहीं है, रोड मैप नहीं है, प्रॉमिस नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है फाइनेंशियल रिटर्न की, 100% मीम है। यानी कि एक तो चीज़ इन्होंने खुद ही क्लियर कर दी कि इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये लिस्ट बाइनेंस के ऊपर होता है तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू बहुत ऊंची जाएगी। अब यहाँ पे अगली चीज़ जो बताना चाहता हूँ, लिस्टिंग हो जाएगी तो लिस्टिंग के बाद क्या, लिस्टिंग हो जाएगी तो लिस्टिंग के बाद आपको एक तो चीज़ बता दी कि आपने ट्रेड करना है, जो आपके पास कॉइन्स होंगे उनको आप सेल कर देना। सेल कर देना क्यों, क्योंकि सारे के सारे सेल करने पर आपका जो प्रॉफिट बनता है वो तो आपको मिल ही जाएगा, वो आपके स्पॉट वॉलेट में आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फार्मिंग खत्म हो रही है, क्योंकि जो फार्मिंग है एक्चुअल में ये 30 दिन चलनी थी और अभी भी इसके लगभग 23-24 दिन बाकी हैं, तब तक ये फार्मिंग चलती रहेगी और आपको ये कॉइन इसी तरीके से मिलते रहेंगे, चाहे आपने BNB पूल में लगाएं, चाहे TUSD पूल में लगाएं, FDST पूल में लगाएं, तो किसी में भी अगर आपने लगाएं तो मीम कॉइन्स आपके बनते रहेंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपके जितने भी कॉइन्स अभी तक मिल चुके हैं उन सभी को सेल करके प्रॉफिट निकाल लो, चाहे वो $1 बन रहा है, $10 बन रहा है, $50, $100, जितना भी बन रहा है,
सेल कर दो, सारे के सारे सेल कर दो, रखने का कोई भी फायदा नहीं है। पहले मीम है, इसका नाम भी मीम है, तो भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्रॉफिट दे रहा है तो उसको बुक साथ के साथ करें, पूरा प्रॉफिट निकालें, क्योंकि हमें फिर से ये कॉइंट्स उसी तरीके से फार्मिंग के द्वारा मिलते ही रहेंगे, जो कि डायरेक्टली हमारे स्पॉट वॉलेट में जाएंगे। अब मैं एक दो सवालों का जवाब देने वाला हूं जो मुझे लास्ट कुछ वीडियोस में हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था। तो किसी ने ये भी पूछा कि क्या ये कॉइंट्स हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी तो अभी लिस्ट होने बाकी है तो अभी विड्रॉ तो नहीं कर सकते। एंड एक चीज़ और कि हमने जो कॉइंट्स स्टेक किए हैं या फिर जो कॉइंट्स हम स्टेक करेंगे, क्या हमें वो वापस मिलेंगे? तो हाँ, डेफिनेटली वो सारे के सारे कॉइंट्स हमें वापस, यानी कि BNB अगर स्टेक कर दिए, TUSD स्टेक कर दिए, वो सारे के सारे स्पॉट वॉलेट में वापस मिल जाते हैं और कभी भी हम खुद भी निकाल सकते हैं। इसको कोई भी कंट्रोल नहीं करने वाला, यानी कि ये यहाँ पर लॉक नहीं होने वाली, हमारी मर्जी है, कभी भी हम इसको निकाल सकते हैं। एक और सवाल था कि क्या मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं? तो हाँ, आपके अगर अलग अलग अकाउंट्स हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो अकाउंट्स मैटर नहीं करते यहाँ पे, अकाउंट जितने मर्जी बनाओ। लेकिन आप स्टेक क्या कर रहे हो, कितना अमाउंट स्टेक कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने मिलेंगे। एक और मुझे यहाँ पे कमेंट आया था कि मुझे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, क्या मैं FDSD TUSD को चेंज कर लूँ? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी में भी स्टेक कर लो, FDSD और TUSD का जो पूल है वो सिमिलर ही पूल है, BNB का थोड़ा अलग है। तो आपको यहाँ पे जो अर्निंग्स मिलने वाली है वो बिल्कुल सिमिलर और सेम ही मिलने वाली हैं। एंड प्राइस कहाँ तक जाएगा, तो प्राइस हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स नहीं बता सकते हैं इतना प्राइस चला जाएगा, $1 $10 चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 सेंट से लेकर 10 सेंट तो मिनिमम मानकर चल रहा हूँ, अगर हाई की बात करें तो $2 से $3 तक भी जा सकता है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ जा भी नहीं रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मिल ही रहा है। तो ये सब कुछ आपको बताना बहुत ज़्यादा मैंने ज़रूरी समझा कि शायद आपको पता होना चाहिए कि इसकी लिस्टिंग है, क्योंकि लिस्टिंग का टाइम अगर निकल गया तो आपके पास कॉइंट्स होंगे, लेकिन आपने उस कॉइन को अगर सेल ही नहीं किया तो प्रॉफिट क्या मिला? यानी कि इतनी आप वीडियोस देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट करने का। तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर बनाना है, प्रॉफिट जितना भी मिल रहा हो ना किसी भी नए कॉइन पर उसको अपना फाइनल प्रॉफिट मानकर रख लो। ऐसा नहीं कि आप हमेशा सोचते रहो कि मैंने इससे और प्रॉफिट बनाना है। अगर ज़्यादा ही है तो आप ऐसा सोचो, 100 में से 70-80% सेल करो, प्रॉफिट बनाओ, बाकी 10-20% रख लो, अगर आपको सच में लग रहा है कि बाद में ये प्राइस और भी ऊपर जाएगा। लेकिन आपने अपना जो समय दिया हुआ है उसकी वैल्यू ज़रूर निकालनी है, कि चाहे वो कोई भी कॉइन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग कॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, BNB हो, बिटकॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, सोलाना हो, कार्डानो हो, कोई भी कॉइन हो, हमेशा प्रॉफिट का ज़रूर ध्यान देना। एंड ऐसी अपडेट्स एंड टिप्स मैं हमेशा इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे जो सोशल मीडिया के हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड हाँ, टेलीग्राम के ऊपर तो हमेशा हमारी अपडेट सबसे पहले आती है, वॉफ्ट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।